Good morning, class 7th. This is your science class. So, students, please take out your science book. This is our 6th video in which we will study about the replenishment of nutrition in the soil. बच्चों, जिस तरह से प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरह सॉइल को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि वो हेल्दी फूड क्रॉप्स प्रोडक्ट कर सके. ओके, सो द प्लांट्स रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल्स, और उन प्लांट को न्यूट्रिशन सॉइल से ही मिलता है. इफ़ क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, अगर हम किसी खेत में या किसी फील्ड में हर साल क्रॉप्स या फसलें उगाते हैं तो सॉइल्स जो है अपने न्यूट्रिशंस को खोने लगती है, कम होने लगते हैं उसमें न्यूट्रिशंस, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस. देखिए मिट्टियों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. हाँ, तो जब धीरे धीरे इन चीज़ की जब मिट्टी में कमी होने लगती है तो हमारे जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो हेल्दी ग्रो अप नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए उनको जो है इन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिशन, प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैगनीज एंड जिंक. बहुत छोटे अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है. तो इस ऑर्डर, इसलिए प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए सॉइल को हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन अच्छे से भरपूर मात्रा में चाहिए होता है समय समय पर. जैसे हमें टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए कुछ वेज हैं जो कि मिट्टियों को न्यूट्रिशन देने के लिए बनाए गए हैं, लाइक न्यूट्रिशन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग मैन्यूर. अगर एक बार मिट्टी अपना न्यूट्रिशन खोने लगती है तो उसे हम फिर से रिफिल कर सकते हैं उसमें, उनमें खाद और फर्टिलाइजर्स डाल के. मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, तो उनमें फिर से रिप्लेनिश हो जाता है वो न्यूट्रिशन. बाई ग्रोइंग leguminous plant like gram, pea and moong in the field. देखिए कुछ plants ऐसे होते हैं जो हम जिन्हें बोते हैं तो फिर से हमें वो, जिनका इस्तेमाल हम as a pulse करते हैं, जिन चीज़ों का use हम दाल के रूप में करते हैं, जैसे मटर हो गई, उड़द दाल हो गई, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, तो ये सारे हमारे लिगमिनस प्लांट्स कहलाते हैं. ओके, तो इनकी जो रूट होती हैं, दीज रूट कंसेन राइजोबिया बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉल्यूबल फ्रॉम द सॉइल. दिस रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल. इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि जिनमें कि ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है और ये सॉल्यूबल होता है, तो ये मिट्टी में फिर से चला जाता है, जिसकी वजह से रिप्लेनिश होता रहता है न्यूट्रिशन मिट्टियों में. ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर. तो लेट्स डू एक्सरसाइज. आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द राइट ऑप्शन. विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, कौन सा प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लीफ, फ्लावर, रूट या फ्रूट. लीफ, टिक कर लीजिए लीफ को. द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. पेड़ की जड़ों से, ध्यान रखिएगा, पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक जो ट्रांसफॉर्म करता है, इट्स फेलम, गार्ड सेल, साइलम, स्टोमेटा. इट्स जाइलम. टिक ऑन द ऑप्शन सी. ऑप्शन ए बेटा रॉन्ग होगा. वेट अ बिट, मैं इसे कट ही कर देती हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज अ रॉन्ग. ऑप्शन सी आपका सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड ऑल ऑफ दीज. देखिए बच्चों, तीनों ही चीज़ें हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ आर कॉल्ड. लीफ में जो टाइनी पोर्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या नन.
तो टाइनी पोल्स, लीफ में जो टाइनी पोल्स पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स. सबसे पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स. तो वो होंगे हमारे ऑटोट्रॉफ्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कस्क्यूटा प्लांट इज अ सिम्बायोटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट, सेफ्रोट्रॉफ और इंसेक्टिवोरस. सो इट्स अ पैरासाइटिक प्लांट, आप सभी जानते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेक ऑन दैट वन. सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेगुमिनस प्लांट. ऐसे प्लांट्स जिनमें ऐसे प्लांट्स जो जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं और बाद में हम उनका इस्तेमाल एज अ पल्स करते हैं दाल के रूप में, तो उन्हें हम लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, लाइक पी प्लांट, उड़द है, मूंग है, ग्राम है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स. सो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? तो पी का यूज़ हम भाई मटर का इस्तेमाल एज अ पल्स करते हैं, ग्राम उसका भी एज अ पल्स करते हैं, मूंग दाल का यूज़ हम करते हैं, वीट गेहूं का यूज़ हम एज अ पल्स नहीं करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो आप सभी जानते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इस पे टिक कर लीजिए एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नेम द एक्सरसाइज नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नेम द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में जो दो टाइप के मोड्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सो हियर इज द आंसर. स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर है तो वेरी शॉर्ट आंसर को हम बस जितना पूछा गया है उतना ही बताएंगे. तो द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. ठीक है, देखिए आपको बस अपनी आंसर में डालना है द टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म आर, उसके बाद लिख दीजिएगा ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स. ओके, सेकेंड वन, नेम एनी टू ऑटोट्रॉफ्स. आपको दो ऑटोट्रॉफ्स के नाम लिखने हैं. सो आप ऐसे लिखेंगे द टू ऑटोट्रॉफ्स आर. उसके बाद आप लिखिए मेज प्लांट और ग्रास. ओके, नेक्स्ट इज नेम द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लीव्स विच कंटेंट्स क्लोरोफिल इन देम. आपको उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. तो दैट स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट. तो उसे आप इस तरह लिख दीजिएगा द क्लोरोप्लास्ट. वन आंसर चलेगा क्योंकि इसके बाद अभी आपके सिलेबस में शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर है. इसीलिए शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर को मैं वन वर्ड आंसर ही करा रही हूँ ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो. नेक्स्ट इज नेम एनी टू पैरासाइटिक प्लांट्स. तो द टू पैरासाइटिक प्लांट्स आर कैस्क्यूटा एंड रिफ्लेसिया. आंसर नंबर फाइव, कैस्केटा एंड रिफ्लेसिया. फिर आपको बताने हैं नेम एनी टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो द टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, सो द स्टूडेंट्स, आपकी ये एक्सरसाइज नंबर बी भी अब कंप्लीट होती है. वी हैव कंप्लीटेड इट. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर सी विच इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो लेट्स कंटिन्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, इसे मैं आपको बुक में टिक कराऊंगी. तो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर पेज नंबर फाइव.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए पेज नंबर 5 ओपन करिए। इसमें देखिए आपको ये मिलेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप टिक कर लीजिए। कहाँ से टिक करना है? देखिए मैंने ये आंसर 1 टिक किया हुआ है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक दियर फूड देमसेल्फ फॉर द सिंपल फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। इसके बाद इसमें आप मेंशन कर दीजिएगा जैसा बुक में लिखा है, न्यूट्रिशन। ठीक है, बस इतना ही आंसर है आपका यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके, सो ऑन द सेम पेज ये जो रिवीजन है आपका, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में देखिए मैंने टिक किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरीके से देखिए आंसर 2 यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? सो चलिए हम क्लोरोफिल के फंक्शन को करेंगे। ऑन पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे देखिए क्लोरोफिल फंक्शन क्या पूछ, फंक्शन पूछ रहा है ना क्लोरोफिल का। मैंने यहाँ से टिक किया हुआ है, क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी। देखिए ध्यान से देखिएगा, सी का आंसर 3 है, क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग दियर ग्रीन स्टेम्स। सो यहीं तक इसका आंसर होगा, इसे कर लीजिएगा, यहाँ तक होगा, ध्यान से देख लीजिए, क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग दियर ग्रीन स्टेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर स्टोमेटा? सो इसका आंसर लिखिएगा, द टाइनी पोर्स, देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, अब नेक्स्ट इज, व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स? नंबर 9, पेज नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, उसमें टॉपिक है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। यहाँ से देखिएगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स विच फीड ऑन डेड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉप्स। ओके, तो यहीं तक आपका आंसर होगा, नॉन ग्रीन से सेप्रोट्रॉप्स तक। दिस इज द 5th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ पैरासिटिक प्लांट? ऑन पेज नंबर 10, ऑन पेज नंबर 10 आप देख सकते हैं, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन द अदर ग्रीन प्लांट्स एंड डिराइव दियर फूड फ्रॉम देम, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। यही आंसर यहाँ तक है आपका। सो एक्सरसाइज नंबर 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, नाउ वी विल डू द लॉन्ग आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन। तो पहले इस तरह से हम लिख लेंगे, आंसर 1, द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमें इसे एक्सप्लेन करना है। ओके, सो ऑन पेज नंबर 6 यू कैन सी दैट दीज टॉपिक्स आर एक्सप्लेन्ड। सो सनलाइट, सनलाइट हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, आइए टिक कर लेते हैं। देखिए मैंने टिक किया हुआ है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ओके, तो जो सनलाइट को हम एक्सप्लेन करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे, नंबर 1। उसके बाद इस तरह से डालेंगे नंबर 2, विच इज़ वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, दिस एब्जॉर्ब वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द कंडक्शन ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। नंबर 3, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम लोग
पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे. द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट्स हैव अ नंबर ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मेक्स फूड फॉर प्लांट. ये आप ऐड कर लीजिएगा, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मेक्स फूड फॉर प्लांट. इतना ही करना स्टार्टिंग से लेके फूड फॉर द प्लांट यहीं तक करना है. ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसको देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एयर सराउंडिंग देम. बस यहाँ से यहाँ तक उसको लिखना है. उसके बाद देखिएगा, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे सराउंडिंग देम, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट कंप्लीट होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन. आपको बताना है कि आप हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं. सो आंसर नंबर टू देख लीजिए. ऑन पेज नंबर फाइव देखिए एक्सरसाइज नंबर डी का आंसर टू, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड. ये यहाँ से लेके आपका नेक्स्ट पेज में पूरा एंड तक आएगा. ओके, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ तक आएगा. देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा कवर करेगा, एंड देन पेज नंबर सिक्स पे स्टार्टिंग का यहाँ तक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डू सेप्रोट्रॉप्स ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन. ओके, ऑन पेज नंबर नाइन देखिए, ये है सेप्रोफिटिक प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें देखिएगा मैंने लगाया हुआ है आंसर थ्री, एक्सरसाइज नंबर डी का आंसर थ्री है, सेप्रोट्रॉप्स सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर विच कन्वर्ट द डेड सॉलिड मैटर इंटू अ लिक्विड सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोट्रॉप्स. दिस मैथड ऑफ गेटिंग दिखा दिस मैथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफोटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ये आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा. ओके, थ्री लाइन्स का आंसर है आपका. क्वेश्चन फोर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के साथ. सो देखिए यहाँ पे डी का आंसर फोर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. द ग्रीन प्लांट्स विच मेक दियर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजीनियस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. उसके बाद दिस मैथड ऑफ डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. इन अ पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इंटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड ऑन द टॉप. हेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द पिचर. When an insect sits on the pitcher, the lid closes to trap insect. It gets entangled in the hair of the pitcher and killed by the digestive juices secreted inside the pitcher. यहाँ तक ये आपका question exercise number D answer 4 का answer यहाँ से starting से लेके यहाँ तक रहेगा. Okay students, देखिएगा how do फंगस एंड एल्गे बेनिफिट ईच अदर. कैसे एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. सो देखिए सिम्बायोटिक प्लांट्स ऑन द सेम पेज आप देखेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स. यहाँ पे आंसर फाइव यहाँ से स्टार्ट होता है. सम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अदर प्लांट एंड शेयर दियर फूड मटेरियल आर म्यूचुअली हेल्प ईच अदर विदाउट कॉजिंग हार्म. स्टार्टिंग का देखिए, पहले आप यहाँ से लेके विदाउट कॉजिंग हार्म यहीं तक रहेगा. उसके बाद ऑन पेज नंबर 11 देखिए स्टार्टिंग में, सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस.
ठीक है, यहाँ तक रहेगा। उसके बाद द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द एल्गा इन रिटर्न, एल्गा बीइंग ग्रीन प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस। यहाँ तक देखा, सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। यहीं तक रहेगा। उसके बाद फिर से द फंगस प्रोवाइड शेल्टर से लेके फूड फॉर द फंगस तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सम वेज टू रिप्लेनिश न्यूट्रिशन इन द सॉइल। सो सम वेज टू रिप्लेनिश न्यूट्रिशन इन द सॉइल, देख लीजिए। स्टार्टिंग में आपको लिखना है सम वेज टू रिप्लेनिश न्यूट्रिशन इन द सॉइल, उसके बाद लिखेंगे न्यूट्रिशन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाई एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ ये रहेगा। उसके बाद बाय ग्रोइंग से लेके नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू डाल दीजिएगा। वंस अगेन, जो लास्ट क्वेश्चन आपका आंसर नंबर फाइव था, एक बार फिर से आप देख लीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। पहले सम प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट, यहाँ से लेके आपका कॉजिंग हार्म तक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करना है द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, यहाँ से लेके ये पूरी लाइन कवर करते हुए ग्रीन प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस, यहाँ तक लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्लिमी ग्रीन पैचेस फॉर्म इन द पॉन्ड आर कॉल्ड एल्गे। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स अल्टीमेटली चेंजेस इनटू स्टार्च। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट फ्रूट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फ्लोएम। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ओके, मिस्टल्टो इज द हेमी पैरासाइटिक प्लांट्स। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, इन्हें फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम, इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा होगा, पिचर प्लांट। ओके, ऑटोट्रॉफ मैंगो ट्री, क्योंकि अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है। सेप्रोट्रॉफ फंगी, पैरासिटिक प्लांट कस्केटा, सिम्बायोएंट लेचन। ओके, सो द योर वन चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। प्लीज डू योर एक्सरसाइज इन योर एक्सरसाइज बुक एंड डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक रिस्पेक्टिवली। सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन सबमिट योर नोटबुक एंड एक्सरसाइज बुक इन द ऑफिस, आई विल चेक इट। ओके स्टूडेंट, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, डू योर एक्सरसाइज।